अमरोहा नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी जैसे तैसे तो बीजेपी के हिस्से में आई। अब दूसरी बैठक में ही हाल ये है कि सभासद बहिष्कार पर उतर आए हैं। अधिकारी और चेयरमैन पति बैठे रहे और कोई सभासद नहीं आया। अब तो सीधे टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है मसला, इस रिपोर्ट में समझिए। अमरोहा में चेयरमैन बनाम सभासद, नगर पालिका की बैठक से सब नदारद। अमरोहा नगर पालिका बोर्ड की दूसरी बैठक थी, सभी तैयारियां पूरी थी। अधिकारियों के अलावा चेयरमैन के पति भी तैयार थे। 3 बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन जब 3:30 बजे तक कोई भी नहीं पहुंचा, तो कर्मचारियों ने सभासदों को फोन मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन सभासदों ने फोन ही नहीं उठाया। पता चला कि सभासदों ने मिलकर बैठक का बहिष्कार किया। शहर में पूरी तरह अंधेरा पड़ा है, शहर में सड़कें टूटी हुई हैं, तो हमारा कहना यह है कि विकास शहर का होना चाहिए। हमें जनता ने चुना है तो इसलिए चुना है कि शहर का विकास हो। वो हमारा कहना यह है कि नए नए तरीके से, नए नए तरह से टैक्स लगाए जा रहे हैं। हम सभी सभासद एकजुट होकर यह मांग करते हैं, कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, खासतौर पर गरीब जनता को टैक्स माफ होना चाहिए। सभासदों ने विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के हर काम को जब उनसे कहा जाता है तो उनका जवाब होता है कि उनके बेटे निखिल से बात कर लो, वो सिर्फ नगर पालिका को तोड़कर नया निर्माण की बात करते हैं। शहर में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटें खराब हैं, जनता आकर हमसे शिकायतें करती तो हम क्या जवाब दें? हम लोग 3-4 महीने से सभासद बने हैं, सारे सभासदों की शिकायत किया है माननीय चेयरमैन साहब के पास तौर से, तो शहर के विकास के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। उधर चेयरमैन ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी पुरानी देनदारी है, नया कोई पैसा नहीं मिला, पुराने डीएम ने किसी फाइल पर साइन नहीं किए, वो क्या कर सकते हैं? जब से नई नगर पालिका चुनी गई है, जब से अब तक कोई डीएम के यहाँ से प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जो हमारे लगभग 6-10 करोड़ रुपए के विकास के प्रस्ताव गए हुए हैं, 27-2 के वो साइन नहीं हो सके। अब शायद उम्मीद है आजकल में साइन होंगे, विकास कार्य चालू हो जाए। आपको बता दें कि अमरोहा नगर पालिका पर ज्यादातर सपा का कब्जा रहा है। इस बार बीजेपी की शशि जैन को जीत मिली, लेकिन सभासदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमरोहा से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद फहद की रिपोर्ट।